करीब 50,000 की आबादी वाले नाहन शहर में पेयजल संकट गहरा सकता है। दरअसल नाहन शहर को पीने का पानी देने वाली नेहर स्वार पंचायत के लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पंचायत ने फैसला लिया है कि अगर पेयजल समस्या को ना सुलझाया गया तो नाहन शहर को पानी की सप्लाई रोक दी जाएगी। नाहन शहर में आगामी दिनों में पेयजल संकट गहरा सकता है। नाहन के नेहरस्वार पंचायत के मतलाना, मनियार, मंडीधार, बांदली, जरासी आदि आधा दर्जन गांव पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं। आरोप है कि यहां पेयजल समस्या को लेकर विभागीय कर्मचारी गंभीर नहीं है। ऐसे में पंचायत ने फैसला लिया है कि अगर पेयजल समस्या को ना सुलझाया गया तो दो दिनों बाद नाहन शहर की पानी की सप्लाई रोक दी जाएगी। नेहरस्वार पंचायत से नाहन शहर के लिए पानी की सप्लाई होती है, जिससे रोजाना लाखों लीटर पानी नाहन शहर पहुंचता है। नेहरस्वार पंचायत के लोगों का कहना है कि वे नाहन शहर को पानी मुहैया करवा रहे हैं, मगर खुद उन्हें पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। आलम यह है कि उन्हें 3-4 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। लोगों की माने तो विभाग के बड़े अधिकारी भी समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। मैं पूर्व प्रधान हूँ, वहाँ से नेहरस्वार से, तो नेहरस्वार पंचायत जो है पूरी नाहन शहर को पानी पिला रही है निशुल्क। और नेहरस्वार पंचायत के वार्ड नंबर 1 में 30 साल पुरानी स्कीम है, अभी तक ना इसका पूर्ण समांकन हुआ, नहीं जगह जगह पाइपें फटी हुई है, लोगों को पीने का पानी मिल नहीं रहा। तीसरे दिन आता है वो भी सिर्फ 45 मिनट का, भी 1 घंटा आता है। एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी मिल रहा है, 60 से 70 लीटर पानी मिलता है, तो लोग बहुत दुखी हैं। तो इसलिए आज यहाँ तक लोग आए हैं, ना पशुओं को पानी है ना आदमी के लिए पानी है। नहर इस बार पंचायत से आए हैं और हमारी जो पीने के पानी की जो स्कीम है उठाऊ पेयजल योजना गी मतलाना के नाम से है, और ये योजना उपमंडल सराह के अंतर्गत आती है, और इसमें ग्राम पंचायत लाना बाका के मैक्सिमम जो कर्मचारी है ना वहाँ पानी देने वाले, वो ग्राम पंचायत लाना बाका से है। वो लोग हमारे जो कुछ गाँव जो समस्याएँ लेकर आज यहाँ आए ना, वो है हम पढ़ते हैं रेणुका क्षेत्र से, और हमारे साथ जहाँ तक हमने पाया है भेदभाव करते हैं। हम इनको अगर कभी भी पानी के लिए कहते हैं तो पहले तो हमारा फ़ोन ही नहीं सुनते, और अगर फ़ोन सुनते भी हैं तो टालने वाली बात करते हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी इसी महीने अभी 13 दिन तक पानी बंद रहा, और 27 तारीख को सिर्फ 35-40 मिनट के लिए पानी आया, और वैसे भी हमारे को ये तीसरे दिन पानी देते हैं, लेकिन तीसरे दिन भी एक औपचारिकता है, रूटीन में तीसरे दिन पानी मिलता नहीं, और जो कर्मचारी है वो सही ढंग से बात करते नहीं। अगर SDO साहब को फ़ोन करें तो बोलते जी हमने पानी दे दिया है, कर्मचारियों को भेज रखा है। तो लोगों को पीने के पानी की इतनी दिक्कत है कि हमारे जो घर है सारे के सारे गांव हैं वो बिल्कुल पहाड़ पर है, और पहाड़ पे ना पीने के पानी की बावड़ी है कहीं, और ना कहीं चश्मा है। लोगों को 4-5 किलोमीटर दूर से पानी उठा कर लाना पड़ता है। इतनी समस्या होगी कि पूछा ना बात, पशु भी बिल्कुल मरने के कागार में, और लोग। मेरी पंचायत 1945 से लेकर नान शहर को पानी पिला रही, जिला मुख्यालय को, लेकिन आज तक उसके बदले हम ना तो कोई रोल्टी मिली, ना कोई बैकवर्ड पंचायत मिली, ना कोई आदर्श पंचायत का कोई फंडिंग हुई, कोई किसी भी तरह का हमारे पर वो नहीं मिला। हम कई बार यहाँ जिला प्रशासन के लिए आ चुके हैं, कई बार हमने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन हमने हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज हमारी डिमांड ये है, अगर हमारे को 2-4 दिन में पानी की सुविधा नहीं मिली तो हम नहान का पानी रोकेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे जो भी होगा वो देखा जाएगा फिर। वहीं इस बारे में उपायुक्त सिरमौर ललित जैन भी गंभीर नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि मामला IPH विभाग से जुड़ा है, इस बारे में IPH विभाग से रिपोर्ट ली जाएगी। स्थानीय निवासी कुछ मिलने आए थे, क्योंकि मामला IPH विभाग से संबंधित है, मैंने उनको भेज दिया है कि इस फैक्ट को एग्जामिन करें और रिपोर्ट वो पेश करें। दूसरा, जहाँ तक शहर में या ज़िले में पानी की कमी की बात है, हमने अभी कल ही सारी ड्राउट सिचुएशन को रिव्यू किया। स्थिति बहुत अभी हाथ से बाहर नहीं है, लगभग 9-10% पॉपुलेशन को इसका इफेक्ट हुआ है जो सूखा पड़ रहा है। हमने IPH विभाग को कहा है कि वो एग्जामिन कर ले मामला, जहाँ जहाँ ज़रूरत है केवल वहीं पर ही टैंकर लगाए जाएंगे, और उनको खुली छुट्टी है कि अगर किसी को ज़रूरत है टैंकर की तो ज़रूर लगाए, परंतु कोई बेफजूल में ना लगाया जाए। जिला प्रशासन ने मामला गंभीरता से ना लिया तो यहां भी राजधानी शिमला जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। ऐसे में यहां प्रशासन को संजीदा रहने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, नाहन।